नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक विशाल देश है, इसमें कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वहीं दूसरी ओर लंबे चौड़े मैदान हैं, है ना। ये कहीं पेनिनसुलर भाग है, कहीं हमारे जो लोग हैं वो आइलैंड में रह रहे हैं। तो ऑल दीज आर द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर इंडिया का है, दैट आर द हिमालयन माउंटेन्स। तो ये आप जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, बिटवीन द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, है ना। इंडस जैसे विदाख से होके बहता है, है ना, तो इंडस और ये ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल से होके बहता है, इन दरिया के बीच में ये जो हमारा बाउंड्री है, है ना, तो नॉर्दर्न बाउंड्री, इसमें जो फैला हुआ हमारा ये जो टेरेन है, है ना, दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स। ये सारे हिमालयन माउंटेन्स कहलाते हैं, है ना। अगर बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 2400 किलोमीटर, यानी इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, वेस्ट से ईस्ट तक इसकी जो लेंथ है ये 2400 किलोमीटर में ये पहाड़ फैले हुए हैं, है ना। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई विस्त जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, है ना, वेरीड है, वेरीज, है ना। जैसे कश्मीर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ इसकी विस्त है 400 किलोमीटर, और दूसरे यहाँ अरुणाचल में इसकी विस्त है 150 किलोमीटर। तो इस तरह से ये चौड़ाई में जो मैदान, ये सारे ये माउंटेन्स हैं, ये अलग जगहों पे कहीं इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहीं कम है, है ना। तो ये हुआ। अब उसके बाद ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, इसमें सारी जो लॉफ्टी पीक्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियां, है ना, वो सारी की सारी इसी हिमालयन माउंटेन्स में पाई जाती है। अगर हम इसका ये इसको ऑब्जर्व करें, देखें, अब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो बखूबी वहां की टोपोग्राफी और इसकी हर करेक्टरिस्टिक से, फीचर से वाकिफ हैं, तो जनरली ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये है थ्री रेंजेस है इसकी। कितनी? थ्री मेन रेंजेस हैं। जो फर्स्ट रेंज है, दैट इज द ग्रेट आर इनर हिमालया, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। जैसे हिमालया, हिमालय, ये एक संस्कृत का वर्ड है, ही मीन्स स्नो, और आलिया हो गया डिवेलिंग, मतलब ऐसी जगह ये है जहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है इन पहाड़ों पर। और ये जो ग्रेटर हिमालय है, या इन हिमालय जिसको कहते हैं, है ना, ये अपर मोस्ट है, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तो ये जो रेंज है ये ग्रेटर हिमालय की, ग्रेटर हिमालय, इसके इसमें ये जनरली तीन फोल्ड आते हैं। पहला इसमें ये जो टॉप मोस्ट हमारा ये रेंज है, ये है कोराकोरम, कोराकोरम रेंज। उसके नीचे आप आएंगे तो लद्दाख, है ना, जो आजकल यूटी है, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये आएगा जंस्कार का इलाका, है ना, जंस्कार। तो ये तीन रेंजेस मिलकर जो हैं, ये क्या है, दीज आर द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयस, कौन से हिमालयस हैं, ग्रेट हिमालयस हैं। अब ये जो ग्रेट हिमालय के जो थ्री रेंजेस हैं, इसकी जो चोटियां हैं वो पूरा साल बर्फ से ढकी रहती हैं, मतलब के ये क्या है, प्रीनेली स्नो बाउंडेड, मतलब इस पर पूरा साल बर्फ रहती है, बर्फ से ये ढके पहाड़ रहते हैं। और इसमें ये जो कोराकोरम है, इसी में हमारी दुनिया की जो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है K2, ये भी यही पर है। और साथ में ये जो लद्दाख, जंस्कार वगैरह है, यहाँ एक और हमारी ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, कौन सा,
नंगा पर्वत ये जहाँ पर है। इसके अलावा इसमें और बहुत से पासेज हैं, है ना, तो इस तरह से है। ग्लेशियर भी हैं जहाँ पर ऊंचे ऊंचे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जो हमारा ग्लेशियर है जहाँ पे हमारी सेना है ना इतने कड़ाके की ठंड में 12 महीने जहाँ पे रहती है, तो ये ग्लेशियर जो है ये भी इसी रेंज में है। यानी किस रेंज में? ग्रेट हिमालय रेंज में, है ना। उसके बाद हम बात करें लेसर हिमालय की, नंबर दो, तो ये जो लेसर हिमालय है ना, ये इसके साउथ में, यानी जस्ट कास्ट से नीचे अगर आप आएंगे तो ये आ जाएगा लेसर हिमालय, ये वाली रेंज जो है ये। और ये याद रखें कि लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय इज द लॉन्गेस्ट रेंज, ये लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक है। आप इसमें अमूमन जो पहाड़ी रेंजेस हैं उनकी औसतन यानी एवरेज हाइट जो है इस लेसर हिमालय में जो पीक्स आती हैं उनकी एवरेज हाइट है 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर तक की ऊंचाई वाली चोटियां यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अगर लेसर हिमालय को अगर हम देखें तो ये जो लेसर हिमालय है इसको अगर जम्मू कश्मीर में, ये जहां से जम्मू कश्मीर में इसको हम जानते हैं पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल के पहाड़ है ना, ये जम्मू कश्मीर में। जैसे जैसे ये पहाड़ आगे जाते हैं हिमाचल में जाते हैं, तो हिमाचल में जाकर इनका नाम हो जाता है धौलीधार, क्या बोलते हैं, धौलीधार। इसी तरह से आगे जाएंगे तो ये हिमाचल और हमारी एक जो स्टेट उत्तराखंड है इसके जहां पर एक और सिलसिला शुरू हो जाता है, रेंज शुरू हो जाती है, जिसको मसूरी बोलते हैं। इस तरह से नेपाल से होकर जब ये लेसर हिमालय जाते हैं तो जहां पर नेपाल में आकर इसका नाम हो जाता है महाभारता हिमालयन रेंज, है ना, ये यहां पर। तो इस तरह से होते हुए ये भूटान से, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश तक ये जो रेंज है यानी लेसर हिमालय की रेंज, ये यहां तक फैले हुए हैं। तो इस तरह से लेसर हिमालय इज द लॉन्गेस्ट रेंज, है ना। तो अगर हम बात करें इस लेसर हिमालय में जैसे पीर पंजाल की, तो जहां पर हमारा जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना, एक वैली है नॉर्थ में, यहां पर नॉर्थ में ये कश्मीर है और इसके साउथ में हमारा ये जम्मू का है। तो कश्मीर में आप देखते हैं कि वहां की जो वाली ये वैलीज हैं, हरी भरी वादियां हैं, ये टूरिस्ट के लिए दुनिया भर में हमारा कश्मीर जो है वो जाना जाता है। तो खास बात इसकी ये है कि ये जो लेसर हिमालय है ये सीजनली स्नो बाउंडेड है, स्नो बाउंडेड कौन से, लेसर हिमालय सीजनली स्नो बाउंडेड का मतलब कि सर्दियों में यहाँ बर्फ रहती है और गर्मी का मौसम आने पर बर्फ पहाड़ों से पिघल जाती है और वहां पर एक नर्म नर्म घास जो है वो उगाती है, जिसको जम्मू कश्मीर में ये जो नर्म नर्म घास है उसको मार्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। तो इसी तरह से वहां पर जो हरे भरे मैदान हैं जब बर्फ पिघलती है तो उनमें एक नर्म नर्म घास उगाती है, तो उन मैदानों को कहा गया है मार्ग। तो जैसे गुलमर्ग का नाम आपने सुना है कश्मीर का, है ना, प्रसिद्ध ये हमारे टूरिस्ट स्पॉट है, गुलमर्ग है, सोना मार्ग है, वगैरह वगैरह, है ना, ये तो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट आ गए कश्मीर के, ये सारे पीर पंजाल में, है ना। अगर जम्मू में आते हैं तो वहां त्रिकुटा, है ना, हिल्स जो है जहाँ पे माता वैष्णो देवी का धाम है ना, तो ये भी पीर पंजाल में आते हैं। इसी तरह से जम्मू से यदोपुर से होते हुए ये पत्नीटॉप, नाथा टॉप, है ना, ये बसंतगढ़ और बनी सरथल ढग्गर, है ना, ये सारी जो है ये धार आती है, इसको हम बोलते हैं मंदी धार। तो इसी तरह से कुठुआ से बिलावर के पीछे पीछे एक और धार जाती है, तो रीजनल नाम इनके रखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं मन धार, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से ये पहाड़ जो जाते हैं तो रीजनल
है ना, लोगों ने अपने अपने खिते अपनी अपनी भाषा के साथ पर इसके इलाकाई नाम जो है पहाड़ों को दिए हुए हैं, है ना। तो जब ये पहाड़ आगे जाते हैं हिमाचल में, है ना, तो वहां पे धौलीधार, मणिमेश धाम वगैरह जितने भी हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सारे पीर पंजाल का हिस्सा है। यदि धौलीधार जो है वो ये रेंज भी पीर पंजाल से ही जुड़ी हुई है, जो हमारे जम्मू कश्मीर से होके जाती है। अगर उत्तराखंड में जाएं तो ये जो रेंजेज हैं बड़ी बड़ी अच्छी वैलीज को, बड़ी बड़ी अच्छी प्लेसेस को जन्म देते हैं। तो जहां जाकर कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उत्तराखंड में, है ना, जैसे नंदा देवी का नाम आपने सुना है ना, ये उत्तराखंड में जब ये पहाड़ जाता है तो ये भी यहीं पर है ना, कामेत, है ना, कामेत, ये भी हमारे यहीं पे है। ये ऊंची ऊंची ये पहाड़ियां है ना, तो ये कामेत वगैरह जो है या नंदा देवी, है ना, इसकी हाइट है 7,817 मीटर है। इसी तरह से कमेट, है ना, जो ये माउंटेन पीक है ना, इसकी इसकी हाइट है 7,756 मीटर्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये खास पहाड़ियां जो है, ये जहाँ उत्तराखंड है, यहाँ मसूरी का जो इसका जो सब रीजन आता है मसूरी, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो और भी बहुत बहुत सी खूबसूरत वैलीज जो है वो यहाँ पर ये पहाड़ जो है वो बनाते हैं। ये जो लेसर हिमालय की हम बात कर रहे हैं, धौलीधार जो आगे आगे जाता है मसूरी से, तो जहाँ पर ये सब जैसे ये नैनीताल है ना, ये जगह भी उत्तराखंड में भी है ना, रानीखेत, है ना, ये हिल स्टेशन है, ठीक है ना, ये भी कहाँ है उत्तराखंड में, ये सारे इन पहाड़ों के बीच में ये खूबसूरत टॉप मोस्ट जगह जो है वो है। अगर आगे जाए नेपाल में, तो नेपाल में जैसे मैंने आपको बताया कि लेसर रेंज जो है हिमालय की, है ना, ये इसको बोलते हैं महाभारत, है ना, महाभारत हिमालयन रेंज, है ना। तो यहाँ पर आप ये नेपाल में जाकर दुनिया की, है ना, जो लास्ट ये सबसे ऊंची चोटी, है ना, माउंट एवरेस्ट के नाम से जो जानी जाती है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर इसकी हाइट है। तो ये टॉप मोस्ट चोटी जो है ये नेपाल में पाई जाती है, है ना। आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जहां जाकर और बहुत बहुत सी ये ऊंची ऊंची चोटी है, जिसका जैसे कंचनजुंगा, है ना, कंचनजुंगा, है ना, ये भी जहां पर इस तरह ये चोटी है। तो इस तरह से ये खास खास चोटियों के यहाँ पे नाम है। नेपाल में अगर आप देखें तो और भी बहुत सी चोटी जो है वो आपको मिलेंगी, है ना, माउंट एवरेस्ट के अलावा, जैसे मकालू है ना, ये भी कहाँ है, यहाँ पर मकालू, है ना, ये भी नेपाल में ही आती है, ठीक है ना। अन्नापूर्ण है, अन्नापूर्ण, ये सारी जो ऊंची चोटियां हैं ये नेपाल में आती है। जल्दी से देख लें, है ना, ये मकालू जो है, मकालू की हाइट है 8,481 मीटर, है ना। वही दूसरे अन्नपूर्णा जो है ये 8,078, है ना, मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सी चोटी बताई, कंचनजुंगा, है ना। तो कंचनजुंगा की हाइट 8,500 से ऊपर लगभग इसकी हाइट है यहाँ पे। अगर हम जहां और जाएं अरुणाचल प्रदेश में, है ना, तो यहाँ एक और हमारा पहाड़ है नमचा, क्या है ये नमचा, है ना, तो ये नमचा नाम की जगह जाए। इस तरह से यहाँ पर ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं हमारे इधर इसके वेस्ट में, जैसे ये पटकाई, है ना, पटकाई है, नागा हिल्स है, है ना, मिजो हिल्स है, ये सारी इस तरह से। तो इसके साथ ही नीचे एक और रेंज आती है जिसको शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। तो शिवालिक ऊपर से आने वाले दरियाओं से बारीक मिट्टी से बने हुए हैं और इसमें बहुत से दूनस हैं, जैसे देहरादून वगैरह वगैरह की खूबसूरत जगह जो है यहाँ पर है। तो दिस वाज ऑल अराउंड द हिमालयन माउंटेन्स।